लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया है, जहां संगठन के इस नारे को सार्थक करने के लिए खंडवा लोकसभा सीट से प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जमकर पसीना बहा रहे हैं। जहां एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पाटिल ने खंडवा लोकसभा से रिकॉर्ड जीत का दावा ठोका है। लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, बैठकों का दौर भी जारी है। इंदौर में अभी मौजूद है हमारे साथ में खंडवा से प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल। आइए बात करते हैं उनसे, किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में पुनः दोबारा जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार उन्हें पुनः वापस से मौका दिया, आइए बात करते हैं। पाटिल साहब, आपको खंडवा से दूसरी बार मौका दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने, किन विचार किन मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वो उद्देश्यों के साथ में आप जनता के बीच में जाए? देखिए, हमारे लिए पहले देश और एक विचारधारा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी विचारधारा है गरीबों का कल्याण, क्षेत्र का विकास, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाना। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करने का हम सब लोगों को सौभाग्य मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल्पना की है 2047 के नए भारत की कल्पना जो की है, उस नए भारत की शुरुआत है 2014 से, जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, उस रोज से उसकी तैयारी करना शुरू कर दी है। और निश्चित रूप से सिर्फ 2047 तक का नहीं, आने वाले 1000 वर्षों तक न्यू बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में गढ़ने वाली है। और आज गरीब के कल्याण से लेकर तो क्षेत्र के विकास, और क्षेत्र के विकास से लेकर देश की सुरक्षा और स्वाभिमान और देश का गौरव बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज वास्तव में गरीब के चेहरे पर जो चमक लाने का काम हुआ है, आज जिस गरीब ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सर पर पक्की छत का मकान होगा, उस गरीब के सपने को साकार करने का काम मोदी जी ने किया है। जो गरीब इलाज के अभाव में दम तोड़ता था, उस गरीब को आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का भी खर्चा आता है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब के झोपड़े तक के बिजली की व्यवस्था कराई, गरीब के घर तक नल से जल की व्यवस्था कराई, गरीब कोई भूखा नहीं सोए उसके लिए निशुल्क अनाज की चिंता करी, शौचालय के लिए हमारे माता और बहनों को बाहर जाना पड़ता था और सर छुपाना पड़ता था, इज्जत घर देने का काम मोदी जी ने किया, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसान समृद्ध बने, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसान के खेत तक पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, उसको उसकी उपज का सही दाम हो, ये सारी चिंता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी गरीबों की चिंता नहीं करी, गांव को गांव ही रहने दिया, शहर को और आगे बढ़ाते गए, लेकिन जो गांव और शहर का भेद मिटाने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पाटिल साहब, खंडवा की बात करें तो खंडवा में ऐसे कौन से काम हैं जो पूर्व में होना थे हो नहीं पाए, आपके उपचुनाव के बाद में विजय बनने के बाद में कुछ रह गए, आने वाले समय में आप वो पूरा करेंगे? देखिए, खंडवा के लिए तो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा मतलब सारे दरवाजे खोल दिए। आज इंदौर से लेकर दीक्षापुर तक के रोड की हम बात करें, नेशनल हाईवे में मेरे सांसद बनने के बाद में उस काम को गति मिली और आज तेज़ गति के साथ वहाँ काम चालू है। रेलवे के इतिहास में पहली बार 3 बजट में 2500 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे के सुदृढ़ीकरण के लिए दिया। खंडवा का रेलवे स्टेशन 350 करोड़ रुपए की लागत का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे ही कार्यकाल में अभी दिया है, और उसका अभी भूमि पूजन भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्ते 26 फरवरी को हुआ है। तो ऐसे अनेक काम हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। पासपोर्ट ऑफिस के लिए हमारे क्षेत्र की जनता को इंदौर भोपाल जाना पड़ता था, और इंदौर के बाद पहला पासपोर्ट ऑफिस खंडवा की जनता को हमारे मोदी जी ने दिया है। तो ऐसे अनेक काम मोदी जी ने दिए, जहाँ मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम आती थी, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल के टावर बड़ी संख्या में दिए, बिजली के लिए जहाँ कम वोल्टेज मिलता था वहाँ ग्रिड देने काम किया है। तो जो भारत सरकार की तरफ से जो हम काम ला सकते थे, वो सारे काम मैं समझता हूँ कि पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और उसके साथ साथ किसानों के खेत तक पानी पहुँचाना हो, किसान के खेत तक बिजली पहुँचाना हो, ये आज मोदी जी ने हमारे क्षेत्र में, और मोदी जी और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने लगातार काम कर रहे हैं। पहला मैं समझता हूँ कि मेरा खंडवा संसदीय क्षेत्र, ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएगी तो 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक ज़मीन सिंचित होगी। तो किसान की ज़मीन सिंचित होगी तो निश्चित रूप से उसका हमारे खंडवा के किसानों को ही उसका लाभ ना है।
जहाँ हमारे खंडवा जिले में कभी किसान एक फसल बड़ी मुश्किल से लेता था, आज हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र का किसान दो नहीं तीन नहीं चार चार फसल तक के लेने की तैयारी हमारे किसान ने कर ली है। और निश्चित रूप से उससे किसानों में जो किसानों को समृद्ध बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देखा वो सपना आज पूरा होते दिखाई दे रहा है। खंडवा में उपचुनाव में जितनी वोटों से आप जीते थे उस लीड को आगे आने वाले समय में बढ़त मिलेगी, कितने वोटों से जीते? उससे अभी तक के सारे रिकॉर्ड खंडवा की जनता आशीर्वाद देकर तोड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते स्टार प्रचारकों की, तो किन्हीं से बात हुई कि खंडवा में कौन बड़े नेता आएंगे जो आम सभाएं लेंगे? देखिए, सभी जनता की पहली पसंद है माननीय मोदी जी। हमने मोदी जी की भी डिमांड करी, हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की करी, हमने माननीय हमारे योगी बाबा की भी डिमांड हमारे क्षेत्र की जनता कर रही है, हेमंत विश्व शर्मा जी करी और शिवराज जी की भी हमारे क्षेत्र की जनता डिमांड कर रही है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की भी डिमांड कर रही है। अभी तक कहाँ से कुछ अप्रूवल आए? अभी तो हम लोगों को से नाम मंगवाए प्रदेश कार्यालय ने, वहाँ से जो जो नाम आएंगे उसका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में ज्ञानेश्वर पाटिल जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सर्वाधिक मतों से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराएंगे। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP News इंदौर।